एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल क्या है? बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेसमेंट हो जाता है, तभी आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना पड़ता है। ओके, तो बस गाइस, न्यूटन स्कूल के बारे में यही था। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, कंडीशनल रेंडरिंग देखने वाले हैं रिएक्ट में। ओके, तो ये वाला प्रोजेक्ट हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था एरे मैप मेथड की हेल्प से। ओके, अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया था, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है एरे मैप मेथड। ओके, तो ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें सिंपल क्या किया था, एरे मैप मेथड की हेल्प से ये वाले चीजें हम रेंडर करवाए थे। ओके, तो आज के हम वीडियो में क्या देखेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग। मतलब कुछ हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर ये चीजें हो तब ये चीजें शो करे, ये चीजें हो तब ये चीजें शो करे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूं और एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं लास्ट वाले वीडियो के बारे में, लास्ट वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या किया, एक ये हमने एक डाटा नाम से एक यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे डाटा स्टोर करवा लिया, और हमारी जो हमारी एप डॉट जेएस फाइल में यहाँ पे हमने मैप मेथड का यूज करते हुए ये सभी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैप मेथड में क्या चीजें, मैप मेथड में क्या होता है, सिंपल हमारा एक कॉल बैक होता है। ओके, और कॉल बैक क्या करता है, हमारे तीन एक कॉल बैक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, हमारे तीन पैरामीटर लेता है। ठीक है, उसके बारे में हमने एक फर्स्ट पैरामीटर के बारे में हमने देखा था, वैल्यू के बारे में, जो हमारा करंट एलिमेंट होता है उसको आइटरेट करता है, उसके करंट एलिमेंट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, करंट एलिमेंट के बारे में क्या आता है, इसका करंट एलिमेंट का इंडेक्स, और एक हमारा आता है एरे। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं देखे थे, तो एरे के आज भी नहीं देखने वाले, सिंपल हमारा जो करंट एलिमेंट होता है आई, उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो वहां पे क्या करूंगा, मैं वापस से हमारे डेटा डॉट जेएस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं बनाने वाला, एप डॉट जेएस फाइल में बनाऊंगा। वो किस तरीके से बनाऊंगा, अगर मान लीजिए जो भी मेरे यहाँ पे एरे है ना, ये वाला एक एरे हो गया मेरा कंप्लीट डेटा का ए एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी इसके इंडेक्सेस है ना, इस इंडेक्सेस पे मैं कंडीशनल रेंडरिंग करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो हमारा इवन इंडेक्स होगा तो उस पर कुछ अलग कलर शो करे, और हमारा ओड इंडेक्स होगा तो उस पर हमारा कुछ अलग रेंडर होए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी एप डॉट ये मैं डाटा वाली फाइल है ना, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक कलर और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो भी इसका एरे का एलिमेंट है ना, इसके अंदर यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और ऐड कर लिया। ठीक है, वन कलर करके यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, जो हमारा रेड कलर है। ठीक है, रेड हेक्स कलर है। ओके, इसको यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ हमारी एप डॉट जेएस के अंदर। तो जो हमारे सिंपल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हमारा इसके अंदर करते हैं आई। ओके, ये हमारा इसका सेकंड पैरामीटर हो गया, और वैल्यू की जगह अपन इसको आई प्रिंट करवाते हैं अभी के लिए, और वापस से चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, और अभी चलते हैं कंसोल पे। ठीक है, ये मैं आज का हूँ कंसोल पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, एरे का जो भी इंडेक्सेस हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, जितने भी इसके इंडेक्सेस होने वाले हमारे एरे के, वो हमें इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो आई क्या हो गया, हमारा करंट एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, और वापस से आता हूँ अपने वीएस कोड में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन इफ एल्स के बारे में। ठीक है, कि जो मान लीजिए हमारा इवन, अगर जो हमारा इवन इंडेक्स आता है तो हमें कुछ अलग कलर शो करे, और ओड इंडेक्स आता है तब हमें कुछ अलग कलर्स हो करे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इवन नंबर पे क्या करेंगे, जो हमने अलग से कलर ऐड किया था वन कलर, वो शो करवाएंगे, और जो हमारे ओड इंडेक्स पे होने वाले हैं ना, उस पे जो हम क्या करेंगे, हेक्स कलर को शो करवाएंगे जो हमने ऐड किया था। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम आपको इफ एल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इफ एल्स के बारे में नहीं पता है, मान लीजिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया हो, तो इफ एल्स के बारे में जरूर आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इफ एल्स में क्या होता है, सिंपल हमारा इफ इस तरीके से होता है, और इसके अंदर हमारी होती है कोई कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, और इसमें के बाद क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा एल्स स्टेटमेंट होता है, else स्टेटमेंट, इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल इफ एल्स के बारे में, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारा इंडेक्सेस है ना, अगर वो इवन है तो उसके लिए हमें एक वन कलर वाला वो चीज शो करे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले रिटर्न को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इफ यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, अगर हमारा इंडेक्सेस क्या हो, अगर इवन हो तो उसके लिए हमें क्या चीज शो करे, जो भी हमने यहाँ पे वन कलर शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको इस तरीके से करके, और यहाँ पे मैं इसको पेश कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेक्स कलर की जगह अपन क्या यूज करने वाले, वन कलर यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है,
ओके जी, तो ये हो गया हमारा इफ के बारे में, और इस तरीके से हमारे एल्स के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो एल्स में अपन सिंपल क्या करेंगे, वो हमारे सिंपल हमारा नॉर्मल हेक्स कलर आ रहा है वो ही यहाँ पे अपन शो करवाने वाले हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ पेज को, और वापस से अपन चलते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम भी हमारा जीरो इवन इंडेक्स था उस पर हमें रेड कलर शो कर रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा ओड है, वन है, थ्री है, इस तरीके से जो भी हम कलर पास कर रहे थे वो चीजें शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में, ओके। तो आपको पता चल गया किस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। और इसमें यहाँ पे क्या होता है हमारा एक यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का भी काम आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे हमने इफ एल्स का यूज करते हुए यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं होता, सिंपल हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है उसी में इसको यूज किया जाता है, जो उसी का ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें हमने डिटेल में देखा है हमारी जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल हमारी कंडीशन इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई कंडीशन हो गई, और कंडीशन के बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपका स्टेटमेंट होने वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारा ट्रू के लिए, जो भी इसमें स्टेटमेंट होने वाला है वो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपकी ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉलन होगा, कॉलन यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉलन, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स वाली जो भी आपकी अगर एक फॉल्स हो जाता है ये वाली स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसी टर्नरी ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ यहाँ से, ओके, और वापस से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए सिंपल हमारी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन सबसे पहले तो मैं आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न। और यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, इवन नंबर पे मैं शो करवाना है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिटर्न के बाद अपन क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, इसका ये वाला अपन वन कलर शो करवाना है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉलन देना है, और कॉलन के बाद आपका जो भी आप हेक्स कलर शो करवा रहे हैं और इंडेक्सेस पे वो यहाँ पे, ओके। इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो ये वाला पार्ट है ना मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जो हमारा इफ एल्स वाला पार्ट था इसको यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इफ एल्स के लिए, ठीक है, इफ एल्स के लिए, ओके। ये हो गया मेरा इफ एल्स के लिए, और यहाँ पे मेरा हो गया टर्नरी ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे मेरा सेकेंड ऑप्शन हो गया टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के लिए, ओके। और इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और वापस से इस पेज को यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके। और अब मैं चलता हूँ अपने वापस से अपने ब्राउजर पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे हमारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, ओके। तो बस गई आज के वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको किसके बारे में बता सकूँ, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बता सकूँ, क्योंकि जब आगे आने वाले प्रोजेक्ट होंगे उसमें हमारे टर्नरी ऑपरेटर मतलब कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। वैसे डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे ना, मान लीजिए अपन कोई भी एक्सपेंस ट्रैकर बना रहे हैं, ईयरवाइज बना रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे 2021 में इस तरीके का चीज़ें चार्ट शो करें और 2022 में इस तरीके का चार्ट शो करें, तो हमारे ये क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज करके कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से बता सकूँ, ओके। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म के बारे में, ठीक है, मतलब इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। वैसे हमने इवेंट के बारे में जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने उसमें हमने स्टेट देखा था ना, तब हमने वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम और डिटेल में देखने वाले, ओके। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।